सहरसा में महिला की पीट पीट कर हत्या, भैंसूर व देवर पर लगा हत्या का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। इस वक्त की एक बड़ी खबर सहरसा जिले के बख्तियारपुर पुलिस सर्किल क्षेत्र के सलखुआ थाना के गोरियारी गांव से सामने आ रही है, जहां एक 30 वर्षीय महिला की हत्या पीट पीट कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के भैंसुर व देवर पर लगा है। वहीं सलखुआ पुलिस घटनास्थल पर पहुंच महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की छानबीन शुरू कर दिया। वहीं घटना के बाद परिवार के सभी लोग घर छोड़ फरार हो गया है। मृतक महिला की पहचान गोरियारी गांव निवासी मंतोष यादव की पत्नी बेचनी देवी के रूप में की गई है। बेचनी देवी अपने दो पुत्रों के साथ गोरियारी गांव में रहती थी, जबकि पति मंतोष कमाने के लिए परदेश गया हुआ है। बताया जा रहा है कि रविवार आधी रात पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि भैंसुर व देवर ने पीट पीट कर बेचनी देवी को मौत के घाट उतार घर से फरार हो गया, जिसके बाद मामले की सूचना सलखुआ पुलिस को दी गई। वहीं घटना की सूचना पर बेचनी देवी के मायके वाले भी गोरियारी गांव पहुंचे हैं। भाई मनीष यादव ने साफ तौर पर भैंसुर संतोष यादव व देवर सिंटू यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बतौर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि घटना को लेकर कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे मामले पर गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है मृतक बेचनी देवी के बड़े पुत्र व भाई। बड़े पापा की ना संतोष ये जानकारी मिल लो कना मरले मम्मी निकाल दन कोई ना बतल पा सुबह जगल ही तो मम्मी का कना देख ले सुबह जगल ही तो मम्मी का की देख ले दो बजे रात में जगल को 7 बजे से 9 बजे तक पत्ता पड़ गई है, 10 बजे सुध लिया है, 2 बजे की डकले तू, 2 बजे की डकले लड़ाई रहे के बाद हम ककरा ककरा में मां बड़े पापा और झगड़ा मारपीट है रहा चाचा बड़े पापा मारे रहे चाचा और बड़े पापा मम्मी को मारे रहा और कौन है साथ में साजन के छे साजन ललित बड़े पापा के ना चचेरा भाई लागे छे ये सब मिल के मारे रहा ओकर बाद 5 बजे रात के घटना छे 2 बजे ओकर बाद तू की दो बाद हम बाहर मजा लगे हम तक बैठ ले रहे थे तो फिर मटले का खाने ये तो हमरा नहीं पता था बाद सुबह को देख लिया हम 4 बजे की नाम है लो बाबू यम सूरज पापा के मंदु सर घर गुड़ियानी के लागत जिनकर मौत भेल ओ के लागत कौन क्लास में पढ़े 3 कौन स्कूल में एकम संडे स्कूल सिमरी बख्तियार को फोन कल के तो इमरजेंसी भए गेल तो हम जे छे ना हमर सिस्टर रहे छे ओरे ओकरा कॉल के लिए देखल जाले ओते आबि के देखलक ते मतलब तखन कल के की जे मतलब वो नहीं बतबे ले चाहे रहे बतबे ले नहीं चाहे रहे लेकिन हम कहलिए क्लियर बता की भेले तो कल के ओकरा डोलबे यार छे तो नहीं यानी मर गेल मर गेल के बतलकै ये हमर सिस्टर बतलक कहाँ रहे छे ऊ एत रहे छे एतसे 200 मीटर छे मात्र दोसर सिस्टर तो हाँ एक बात हमरा आर कहलिए की पता चल की पता चल घटना में अभी देखिए न रहल छ बच्चा बताइए न रहल छ कि वो दोनों आदमी मारल के केसो सिंटू यादव और संतोष के छे सिंटू यादव संतोष मतलब वो एगो छी हमरा जीजाजी छोटका भाई रिया एगो छी बड़का भाई रिया जीजाजी की नाम छ मंतोष यादव नाम छ कहां छ अभी अभी वो दिल्ली में घटना के की कारण है कि महिला का हत्या कर ली गई अब कारण
तो पारिवारिक की छे उचित हमरा नहीं से पता, लेकिन परिवार में लड़ाई झगड़ पहले से चले रहे। तोरा बहन से कब बात भेला? हमरा दू तीन दिन पहले बात के लिए। की सब बातचीत भेला, कुछ बतेलका ई संबंध? नहीं, मतलब हम बात के लिए कल के ठीक छिन, कल के हाँ ठीक छी, बस इतने कल के जो हम माय से बात करबे। कहलिए अभी हम नहीं जम रही साइड पर चंडिका स्थान विराटपुर में, तो हमें अबे के लिए जा कल अबे के लिए समझ, मतलब दोपहर आर के अबे के लिए। आ तुम रात में घटनी कब शादी कर लो रे? शादी तो कैसे 2010 में भले, हमें उतना याद हो नहीं। कहाँ से? मंदिर में। शादी मंदिर में भेल रहे। मने पकड़िए के ना मंदिर में? हाँ मंदिर में भेल रहे, लड़का गेल रहे, सब गेल रहे। रात में कब से पता चल की तोहर? 2:47 में पता चल रही हमारा कॉल ले कि हमारे जाजी कल वो तो इमरजेंसी भाग गेल रहे, तब हमारा जीजाजी कॉल करने तो यहाँ एलो तो की देख लो तू? तो देख ली हत्या कैल छे। केकरा पर शक जाय छ? शक मतलब लड़का बताइए रहल छे, तो शक में करे की बात छे? जे ओते बच्चा रहे ओते दुनू के नाम बता रहल छे, ई संतोष मार लेके, संतोष यादव और सिंटू यादव दुनू आदमी मिलके मार लेके, यदि कह रहल छे। केना मार लेके? ओकरा कहे छे मतलब फाइट से, लात से, मुका से, मतलब मारबे की पता नहीं चले, इंसान के पता नहीं चले कि केना मार लेके। कहाँ घर वाला? तो हमर घर बिशनपुर भेले। की नाम? तो हमर नाम मनीष कुमार छे। घर बिशनपुर? कौन बिशनपुर? आरन बिशनपुर सहरसा।